हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हमारे साथ एक ऐसे नोन फेस है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जीएसटी के डोमेन में इंडिया के टॉप लेवल के जो लोग हैं, जिसमें अगर मैं टॉप फाइव में भी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, इंडिया के टॉप फाइव में है, और इनके बारे में अगर आप गूगल पे भी जाएं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इनका इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही क्योंकि हमारे चैनल पे पहली वीडियो है। तो राजेंद्र अरोरा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, और अपना एक यूट्यूब चैनल ये भी चलाते हैं, हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, बट अपना एक YouTube चैनल चलाते हैं जिसका नाम है जीएसटी की राह पर आपका दोस्त। उस पर भी जाके राजेंद्र सर की आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये हमारे साथ हैं, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन है जो कि लगता है आप आज तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं जीएसटी में, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजेंद्र सर से फ्री ऑफ कॉस्ट, सही सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस लेने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी जो फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह का शेप लेने वाला, और कैसी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर जीएसटी की। एक बहुत ही वाइड एस्पेक्ट है जिसपे आज मैं राजेंद्र सर से बात करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि जीएसटी जो फ्यूचर में किस तरह से हो और किस तरह से हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं और किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है राजेंद्र सर आपसे, मुझे रिटर्न पे बताएं कि जो न्यू सिस्टम है जो आने वाला है और जो हमारा प्रीवियस सिस्टम था, उसमें क्या लग रहा है, किस तरह की चेंजेज हैं और होनी चाहिए। थैंक यू हिमांशु जी मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और सारे व्यूअर्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे सर ने पूछा सबसे पहले तो न्यू रिटर्न सिस्टम के बारे में जी। हम एक परफेक्ट फ्यूचर जीएसटी की कामना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसमें नया रिटर्न जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है। सबसे पहले तो ये 1 अप्रैल 2020 से 2020 से लागू होगा। दूसरी बात, मैं ये कहूँगा कि आज जो फीडबैक हमारे जो यूज़र्स ने देना है इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, वो आज ही दे दिया जाए ताकि भविष्य में अगर कोई भी हमें इसमें प्रॉब्लम नज़र आए, कोई दिक्कत नज़र आए, तो ये जो है परेशानी ना हो हमारे यूज़र्स को। और मैं सरकार को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इट शुड नॉट बी मेयरली एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो और दूसरी बात, ट्रांजिशनल जो चैलेंजेस हैं, जो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में, जो पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, वो नए सिस्टम में दोबारा से क्रीप इन ना हो, उसके बारे में भी ध्यान देना है। और जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स हैं जो सरकार को चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस चाहिए, और जो चैलेंजेस हैं उसमें, उसको भी विजुलाइज पहले से कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में इसके ऊपर प्रॉब्लम ना आए। ये मैं समझता हूं कि एक अच्छा सिस्टम आएगा हमारे लिए। आपको लगता है कि हम विजुलाइज कर पाएंगे? वो बात ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सभी जो हमारे दोस्त इस को देख रहे हैं वीडियो को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, आप नए सिस्टम को एक बार रिव्यू कीजिए, और जहां आपको लगे कि यहां फिर भी वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, अभी भी बरकरार है, तो आप जरूर किसी ना किसी माध्यम से, हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ के माध्यम से ही आप हमें सजेशन दीजिए, हम उसको आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट राजेंद्र सर ने बताया कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम या आपको लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, अगर मैं उसको दूसरे भाषा में कहूँ, तो अगर ये चीज़ आपको लगती है कि होनी चाहिए, वो आप बता सकते हैं राजेंद्र सर या अपनी टीम, या हो सकता है बहुत से ऐसे सुविधा जीएसटी पोर्टल पे दिया गया है जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई ऐसी एडवाइस है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं जी। दूसरी चीज़, ई इनवॉइसिंग, अगेन एक बड़ा, मतलब इसको मैं मिस्टीरियस मानता हूँ कि बड़ा अजीब सा सिस्टम है ई इनवॉइसिंग। आपको नहीं लगता है कि इसको भी कुछ ट्विक करने की जरूरत है, क्रेडिट के सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है? इनवॉइसिंग में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी बात सही चैलेंजेस है, इनवॉइसिंग में भी उतने ही चैलेंजेस हैं। आपकी बात सही है। समस्या क्या है मानशु जी, आज जब इनवॉइस इशू होता है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है 1 महीने या 3 महीने बाद, और उसका क्रेडिट जो ले लिया जाता है वो हर महीने ले लिया जाता है। अब सरकार जो है वो ये डिटरमाइन ही नहीं कर पा रही कि इनवॉइस कितने इशू हुए और कितने का क्रेडिट ले लिया गया, और जिससे कि गैप बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल हो नहीं रहा। तो इस बात को ध्यान में रखकर, और दूसरी बात, इस बात को सोचकर कि जो फेक इनवॉइसिस का मेनेंस, जो एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको सबको दूर करने के लिए इन्होंने क्या सोचा है कि एक पैरलर, एक साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ ई इनवॉइसिंग ऑन द पोर्टल ही हम लोग शुरू करें, और इनवॉइसिस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगे, और यही सिस्टम जो है नए रिटर्न सिस्टम के लिए भी कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जब तक ई इनवॉइसिंग नहीं होगी मानशु जी, तब तक नया रिटर्न सिस्टम नहीं चल सकता। रुकूंगा, चलिए आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है इनवॉइसिंग हो,
मैं बहुत छोटे जगह से आता हूँ, मेरा जो एरिया है बहुत ही पिछड़ी जगह से आते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी गई तो जो छोटे, मैं दिल्ली और बड़े मेट्रो शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो दूर दराज इलाके में, गांव के एरिया में, या मैं टीयर थ्री बोलूँ, गांव ना बोलूँ टीयर थ्री में बोलूँ, तो क्या नहीं लगता है कि उनके लिए भी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे? हिमांशु जी, आपने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं ऐसे सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब मेरे पास ना हो, ठीक है जी? लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये आप बिल्कुल सही बात सोच रहे हो कि इंटरनेट फैसिलिटी सबसे बड़ी बात, दूसरी बात समझ इस बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट कि हर हफ्ते 10 दिन में इनवॉइस कैसे अपलोड होने हैं सिस्टम पे, जनरेट कैसे होने हैं। अब 1,30,00,000 टैक्स पेयर्स हैं कंट्री में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशन में है वो सिर्फ 50,000 है, तो 1,30,00,000 को सर्विस कौन दे रहा है? मेजॉरिटी जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे जो खुद रिटर्न फाइल करते हैं, अब उनके लिए समस्या बिल्कुल सही है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ईवे बिल उसमें से एक है, जो फॉर्म 9 भरना है वो उसमें से एक है, तो जब शुरू होंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते। चलिए, एक इसके अलावा जीएसटी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगेन आपको नहीं लगता है कि दोनों दो तरफ जा रहे हैं, एक कहीं और जा रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ भाग रहा है, साउथ पोल की तरफ जा रहा है, रादर कि हम दोनों को एक रास्ते जाना चाहिए? सही बात, आपका उस पर क्या टेक है? नहीं, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा बात आपने उठाया है। जो SEZ के प्रोविजंस हैं, जो उसका सेपरेट लॉ है और GST का सेपरेट लॉ है, इन दोनों में कॉन्सोनेंस नहीं है, रिकंसिलेशन नहीं है, आपस में मिलान नहीं है। GST कुछ और बोलता है, SEZ के प्रोविजंस कुछ और बोलते हैं, जिससे कि हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो मेरा, आप बिल्कुल सही आपने कहा, और मेरा आपके माध्यम से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट भी है कि आप GST लॉ और SEZ लॉ के आपस में एक रिकंसिलेशन बनाइए, उनमें कॉन्सोनेंस लाइए, एक समन्वय लाइए आपस में, ताकि वो एक ही रास्ते जाएं और हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इम्प्रूव हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलूँ कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के भी जो नई लॉ आया है, अगर आप उसमें भी एक चीज़ देखें ना, तो उन्होंने बहुत लॉ को मर्ज करने की कोशिश की। बिल्कुल सही, सेक्शंस को जाके अलग अलग सेक्शंस में कंपनी एक्ट हर जगह मॉडिफाई किया है। GST में भी मुझे लग रहा है कि उस तरह से आगे बढ़ने की और थोड़ी सी विजुलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही पकड़े हैं सर आप, एक्चुअली जो वो बिल्कुल उसी लाइन पर हमें दोनों कानूनों को परिवर्तन करना पड़ेगा कि GST में हम X बोलते हैं, SEZ में उसका Y प्रोविजन है, तो आपस में मैं वही, आप बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, IBC से जो लिंक किया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से जो लिंक किया आपने, बहुत बड़ा एग्जांपल है वो, बहुत सही लिंक किया आपने, वैसे ही सरकार को करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया। इसके अलावा पॉलिसी एंड में भी बहुत प्रॉब्लम है, पॉलिसी इश्यूज ऑलरेडी पेंडिंग है, उसके लिए क्या आपका कहना है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी मेकिंग में हम लोग, वैसे तो मैं सरकार को बहुत अच्छे एप्रिसिएशन दूंगा। अब आप देखिए, 31 दिसंबर को हम सारे जो हैं वो नए साल का स्वागत कर रहे थे, और सरकार जो है वो 31 दिसंबर रात को 9 बजे 4 नोटिफिकेशंस निकाली हैं उन्होंने, तो मैं उनको कूडोस तो दूंगा, उनको एप्रिसिएशन दूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है 3 इश्यूज जो हैं वो पॉलिसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंटरमीडियरी सर्विसेज का। इंटरमीडियरी सर्विसेज में जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया है और मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ और रेसिपिएंट USA में है, उसको इंटरमीडियरी मानने से क्या होता है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो जाती है, वो एक्सपोर्ट होने की बजाय टैक्सेबल सर्विस हो जाती है, तो वो 0 रेट होने की बजाय टैक्स लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम बहुत जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इवन SOCHAM ने भी सरकार को रिप्रेजेंट किया है। दूसरी, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, जब हम सप्लाई कर देते हैं और सप्लाई देने के बाद जब डिस्काउंट देते हैं, और हर धंधे में ऐसा होता है मानशु जी कि कैश डिस्काउंट बाद में डिटरमाइन हुआ, क्वांटिटी डिस्काउंट बाद में डिटरमाइन हुआ, फेस्टिव डिस्काउंट बाद में डिटरमाइन हुआ, तो प्री सप्लाई तो समझ में आता है, डिडक्शन है, हाँ? कस्टमर कहता है कि पूरा पेमेंट लेना तो कुछ डिस्काउंट दे, हाँ, तो ऐसे ही होता है, तो वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो है उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्रॉस चार्ज। मैं HO हूं, दिल्ली में बैठा हूं, मेरे पूरी भारत में ब्रांचेज हैं, HO में बैठकर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे रहा हूं, मैं HR की सर्विसेज दे रहा हूं, अकाउंटिंग की सर्विसेज, फाइनेंस की सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो HO और
डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में जो डीम्ड सप्लाई जिसको हम कहते हैं शेड्यूल वन में नहीं जाए तो अच्छी बात है, वो बहुत वो एक, लेकिन सर उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि वो होगा कैसे। तो ये कुछ इश्यूज थे जो पॉलिसी। मैं आपको एक चीज पे कमेंट करूं, एक कमेंट ही मैं बोलूंगा कि चार नोटिफिकेशन जो आपने बोला, हमें थोड़ा नोटिफिकेशन भी कम करने चाहिए, एक ही करें चार की बजाय, और उसको थोड़ा सा कंक्रीट करने की जरूरत है। ठीक है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कानून को 30 महीने हुए हैं और लगभग 1100 बार बदला गया है। सही बात है। इसके अलावा जो एक लास्ट मेरा पॉइंट है, आपको नहीं लग रहा है कि लीगल इशू को भी लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है? सर दोनों बातें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन हाँ लीगल इश्यूज में मैं आपसे कहूंगा कि कुछ इश्यूज जैसे कि एक सेंट्रलाइज्ड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग पेंडिंग है, उसको बनाया जाना चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इंटरेस्ट का, कि टैक्स जो है, जो इंटरेस्ट है वो ग्रॉस टैक्स पे लगना चाहिए या नेट टैक्स पे लगना चाहिए। सरकार ने सेक्शन 50 में 1 अगस्त 2019 से एक प्रोविजन चेंज कर दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी पेंडिंग है। कहते हैं कि सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाकर उसको अप्रूव कराना है, तो आप अप्रूव कराइए ना। आप सोचिए, मैंने 100 रुपये का कलेक्ट किया, 90 रुपये इनपुट है, 10 रुपये नहीं दिया, वो कहते हैं 10 रुपये पर ब्याज नहीं, 100 रुपये पर ब्याज दीजिए, कितना अनजस्ट है। तो ये जो लीगल इशू है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखने वाली बात है। वो तो ठीक है। ये भी आपने जो कहा, एक छोटा बेबी है, उसको भी नर्चर करने की जरूरत है, बड़े होने की जरूरत है, और आप जैसे लोग अगर हैं तो बहुत तरह की एडवाइस, और पब्लिक भी एडवाइस दे रहे हैं। तो जैसा राजेंद्र सर ने बताया, एक चीज मैं फिर से रिपीट करूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर राजेंद्र सर दे सकते तो वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर कोई आपकी एडवाइस जीएसटी काउंसिल या जीएसटी के लिए भी है, आप वो भी कमेंट करें, हम उस पॉइंट को आगे ले जाके पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो कंसर्न अथॉरिटी है उसमें राजेंद्र सर भी मदद करेंगे कि उस पॉइंट को कैसे राइट पॉइंट तक पहुंचाया, क्योंकि अगर आपने फीडबैक नहीं दिया तो फिर आप कल चिल्लाए नहीं कि ये चीजें नहीं है। ये जरूरी बात है जो आप छूट रहा है, आपको इस पॉइंट पर भी एक बार जरूरी बात है कि देखिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आज मौका है, आप बताइए कि गलत कहाँ है, गलती कहाँ है। कल आप ये मत कहिए कि ये गलत है वो गलत है, देन मेरे पास कोई अधिकार नहीं है बोलने का। न्यू सिस्टम, रिटर्न सिस्टम और इनवॉइसिंग पे अपने कमेंट्स दीजिए, जहां जहां आपको लगता है कि यहां पर ये चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। सिर्फ क्रिप मत कीजिए, आगे बढ़िए, सजेस्ट कीजिए। सही बात है, रोना छोड़ के आप थोड़ा सा, आप भी अगर यूज कर रहे हैं तो आप एडवाइस दीजिए, और आपकी एडवाइस बहुत वैलिड है क्योंकि आप यूजर हैं। हम हो सकता है कि आपके पॉइंट को नहीं समझ पाए, मैं जब प्रोफेशनल काम कर रहा हूं, बट जो यूजर है, जो यूज कर, अगर उसको लगता है कि नहीं चाहिए, ये पॉइंट को भी रखना चाहिए, आप उस पॉइंट को बताइए। फिर नहीं तो 6 महीने बाद अगर आप रोते हुए राजेंद्र सर या किसी और उनके जैसे किसी आदमी के पास जाते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, वो सोल्यूशन आज ही हो सकता है, आज ही हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं थैंक यू राजेंद्र सर को बोलूंगा कि वो अपना टाइम निकाला और हमारे साथ आए। थैंक यू सर। कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की है, तो ऑलरेडी आप इनके यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे साथ आप क्वेश्चन पूछ के उसके हम उसी हिसाब से आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।